हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा का आज दूसरा दिन है और इस मौके पर कांग्रेस की तरफ से की जा रही है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोल रहे हैं इस समय चीज है उसकी हम असेंबली का सेशन उसमें भी उठाएंगे और पूरी उसके ऊपर खिलाफ उसके कार्रवाई लेंगे और मैं आपके माध्यम से विभाग के सारे सारे सरकारी कर्मचारियों को ये माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूँ कि ऐसी राजनीति से प्रेरित होकर कोई फैसला न लें, ये हमारे को मंजूर नहीं होगा, बर्दाश्त नहीं होगी ये बात हमसे। तो हाँ, जो मजबूरी होती है ना, बताएं, अगर बिजली गांव में नहीं जाती है तो गांव को पहले बताएं कि भाई हमारे तो इस वजह से हम बिजली कटौती करेंगे, कोई बात नहीं। पुलिस के कोई प्रॉब्लम है तो पहले बताएं कि भाई इस रूट से हम नहीं करेंगे, इस रूट से हम जाने देंगे। तो ये तरीके हैं, तो जैसा बताया जयराम जी ने इसकी पूरी जांच करेंगे और इसके ऊपर पूरा बोलेंगे, अमल लेंगे। बाकी जहाँ तक, क्योंकि ये सवाल, ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों करते हैं, तो ये आप सबको मालूम है, आप सब हरियाणा के पत्रकार हैं। इस सरकार के पास, मौजूदा सरकार के पास, बीजेपी जेजेपी की सरकार के पास उपलब्धि की बताने के लिए कोई नहीं है, कोई एक भी उपलब्धि बताने के नहीं है। विफल सरकार है और ये ऐसे ही कार्रवाई कर सकती है और ये कार्रवाई उनकी हम कामयाब नहीं होने देंगे। हमारी यात्रा पूरे ही चलेगी। बाकी कोविड के प्रोटोकॉल के बारे में इन्हें कह ही दिया, अगर वो कोई प्रोटोकॉल बनाएंगे, सारे देश के लिए बनाएंगे, तो हमारे को कबूल होगा। लेकिन खाली इसके लिए वो बनाना चाहते हैं तो ये लोग समझ चुके हैं हरियाणा के लिए पूरा और ज्यादा हमारे साथ सहयोग हुआ है। इन्हीं शब्दों के साथ मैंने जो कहा जयराम जी ने, उनका मैंने देख लिया। शुक्रिया हुड्डा जी। पवन खेरा जी कुछ कहना चाहते हैं, उसके पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि आज राहुल जी ऐतिहासिक घसेरा गांव जाएंगे, वहां 2 से 2:45 तक कार्यक्रम है, 45 मिनट का कार्यक्रम है और भारत जोड़ो यात्रा घसेरा विलेज गांव से ही शुरू होगा दोपहर को और करीब 10 किलोमीटर का वॉक है दोपहर को, करीब 10 साढ़े 10 या